आरएफ स्पाई यूनिवर्स की बिग बजट की ये तीन फिल्में बदल देगी हिंदी सिनेमा का इतिहास। जी हाँ दोस्तों, वाई आरएफ स्पाई यूनिवर्स यश राज फिल्म का दूसरा बैनर है। इस बैनर तले ही फिल्म पठान का निर्माण हुआ था। अब इस बैनर तले तीन बड़ी फिल्मों का निर्माण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड के पॉपुलर प्रोडक्शन यश राज फिल्म का एक दूसरा बैनर वाई आरएफ स्पाई यूनिवर्स बना। इस बैनर तले कई फिल्मों का निर्माण हुआ, जिसमें से एक फिल्म पठान भी थी। सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर रही। अब यश राज फिल्म यूनिवर्स की आने वाली तीन फिल्मों के बारे में मेकर्स ने बता दिया है। ये तीन फिल्में बड़े बजट की होने वाली है और ट्रेड एनालिस्ट का मानना है कि ये तीनों फिल्में हिंदी सिनेमा का इतिहास बदल सकती है। फिल्म पठान ने बॉलीवुड को एक उम्मीद दी है कि हिंदी सिनेमा खत्म नहीं हुआ है और अब ये तीन फिल्मों का मुकाबला बाकी फिल्मों का करना मुश्किल है। जी हाँ दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स के बैनर थले एकटा टाइगर, टाइगर जिंदा है, बार और पठान जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनी है। अब इसके आने वाली तीन बड़ी फिल्में धमाल मचाएगी, जिसके नाम टाइगर 3 बार 2 और टाइगर वर्सेस पठान है। जी हाँ दोस्तों, टाइगर 3 10 नवंबर 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। मनीष शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म टाइगर 3 में सलमान खान और कैटरीना कैफ अपने अपने मुल्क के लिए लड़ाई करते नजर आने वाले हैं। वहीं इमरान हाशमी को इस बार फिल्म का विलन बनाया गया है। बताया गया है कि फिल्म पहले से ज्यादा धमाकेदार होने वाली है। इसमें शाहरुख खान का कैमियो भी होगा। बार 2 साल 2019 में आई फिल्म बार के सफल होने के बाद बार 2 बनाई जाएगी। फिल्म का अनाउंसमेंट हो चुकी है और इसका निर्देशन सिद्धार्थ आनंद नहीं बल्कि आयन मुखर्जी करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ आनंद अपनी अगली फिल्म टाइगर वर्सेस पठान में फोकस करना चाहते हैं, इसलिए आयन मुखर्जी इस फिल्म को बनाएंगे, जिसे साल 2024 में रिलीज किया जा सकता है। अब बारी है टाइगर वर्सेस पठान की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में फिल्म टाइगर वर्सेस पठान बनेगी, जिसमें शाहरुख खान और सलमान खान धमाकेदार एक्शन के साथ नजर आएंगे। फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी गई है। फिल्म साल 2024 या साल 2025 की शुरुआत में रिलीज की जा सकती है। वैसे दोस्तों, आप भी ये तीन आने वाली फिल्मों को देखने के लिए कितने एक्साइटमेंट है कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही बॉलीवुड से जुड़े खबरों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।